अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। अभी नाश्ता बना रहे हूँ। चंदन प्योर की पत्ती, कोयटा दूध पत्ती, कोयटा दूध पत्ती चाइना। देख लीजिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बन गए हैं। वकास डाल रहे हैं चाय। भाई तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मुझे इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी तो मैंने आलू की टिक्कियाँ काटी हैं, बेसन घोला है। एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, तो मैस बनेगा मैस। चलो कोई बात नहीं यार, मैंने कहा भूख लगी, अब बैठ के क्या सोचती रहूँ, क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ। पहले मैंने सोचा कुछ ऑर्डर करती हूँ, पर ना एक्चुअली ना मुझे ना पिज़्ज़ा भी पसंद नहीं है, जिंगर पसंद है, पर इतना पसंद नहीं है कि बहुत ही कोई तबाही। जैसे लोगों को फास्ट फूड की क्रेविंग होती है, मैं वकास से यही बोलती हूँ कि वकास अल्लाह का शुक्र है कि हम इतना अच्छा कमाते हैं माशाल्लाह से, फिर भी पैसे होते हैं ज़्यादा तो हमारा शौक़ होता है हम उम्रे पे चले जाएँ। हमें शौक़ ही नहीं कि हम दुबई जाएँ, हम ऐसी जगहों पर जाएँ, मॉरिशस वगैरह ये वो। अब लाइक तुर्की का वीज़ा मुझे कितनी दफ़ा मुझे कंपनी की तरफ से ऑफ़र हुआ है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं, जैसे बाहर मुल्क की मेरी फैन फॉलोइंग है तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे बोलते हैं आप ही हम आपको वीज़ा भेजते हैं, विजिट आप विज़िट करें ये वो। तो मेरा दिल कहते हैं यार मुझे सिर्फ सऊदीया जाने का शौक है। और अभी बल्कि ना मुझे सऊदीया का भी मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था, मैं आपको ना विजिट वीज़ा भेजती हूँ आप आ जाएँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं जब भी आऊँगी ना बच्चों के साथ आऊँगी ताकि मैं पीछे से टेंशन फ्री हूँ, और मैं खुद आऊँगी लेकिन जब मेरा घर कम्प्लीट हो जाएगा तब, ताकि मैं टेंशन फ्री हूँ। ये देखें जी हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ, पता नहीं बेसन कहाँ चला गया, साफ पुदीने की चटनी, थोड़ा सा नान बचा हुआ था तो अभी खाने लगी हूँ। बस मैं बहुत शदीद वाली भूख लगी है। जो है मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, और जहाँ पे आज है चिकन कढ़ाई के साथ रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में चाय भी मैंने एक दफ़ा रख दी थी, चाय रख दी थी, आम काट दिए थे मैंने, मेरी सासू माँ आई हुई थी, यानी कि सास आई थी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, वकास ने एक्चुअली इनकी नई गाड़ियाँ लेकर आए थे ये दो, तो वो मुझे दिखाने आए किचन में। देखें बलाज अपनी दिखा रहा है, भाज अपनी दिखा रहा है, मामा ये देखें डायनासोर वाली गाड़ी है, तो अच्छी थी गाड़ी, बुला चुकी तो गाड़ी स्पिन भी कर रही थी, और जो बाहर की गाड़ी है ना वो पहले गाड़ी बन जाती है फिर डायनासोर बन जाती है, और बुला चुकी गाड़ी भी स्पिन भी करती है और चलती भी, और सेम ऐसे अब आज की भी गाड़ी डायनासोर बनती और चलती है, तो काफ़ी अच्छी थी गाड़ी। और ये आई भी आई थिंक हज़ार हज़ार की थी या कितने की थी मुझे कन्फर्म नहीं पता। हम लोगों ने ना मिर्ची और पुदीने के क्यूब्स बना के रखे हुए थे फ्रिज में, तो रोटी पता नहीं क्यों सही नहीं बनी मेरी, सुकड़ गई, फ्रिज वाला आटा था क्योंकि, तो दही के अंदर वो क्यूब डालूंगी क्योंकि आपको पता है चिकन कढ़ाई बना हुआ हो या रोस्ट बना हुआ तो वकास शौक से खाते हैं, हम सब खाते हैं शौक से पुदीने वाली चटनी, तो चले खाना खाते हैं यहाँ पे। आओ बुलाए खाना खाएं, बुला जाओ। कैसे बना? मज़ा नहीं आया अंगूठा। बहुत अच्छा बना, वाकई बहुत अच्छा बना। घर में हम रह रहे हैं वो घर सेल हो गया है, ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था ज़ारा स्टोर से, इसमें ना ज़्यादातर सामान ऐसा है कि हमने शिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए यूज़ होगा। इस तरह की चीज़ें ये सारी, कोई पैंट्स के लिए है, कोई रज़ाई के लिए, कोई कंफर्टर के लिए, मैं भी खोल के दिखाती हूँ आपको। मैंने कहा पहले सामान दिखा दूँ। और ये एक चॉपर मैंने मंगवाया, मेरा चॉपर गिर के टूट गया था वो जो हैंड वाला था, तो फिर मैंने ये नया मंगवा लिया। ये है, ये देखा ना इस चीज़ के जो बने होते हैं, इसका मेरे पास पहले भी मैंने एक मंगवाया था, एक ये है, इसमें जो रज़ाइयाँ हैं ना वो आराम से आ जाएंगी क्योंकि आपको पता है मेरे पास वो तो है नहीं है संदूक वगैरह, बाकी जो सामान है वो कुछ कॉटन्स में डालना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो ये सस्ते सस्ते से हैं थोड़े। ये देखें इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें सामान जो है मेरा आराम से आ जाएगा, काफ़ी सारा सामान, जैसे बच्चों के कपड़े अलग रखने हों या कोई और चीज़ अलग रखनी हो, तो ये इस तरह के चार मंगवाए थे, एक जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये, इसमें रज़ाई, कम्फर्टर, कम्बल, कोई बड़ी चीज़ें वो रखनी हो वो आ जाएंगी आराम से, दो और हैं इसके अंदर ये, ठीक है। उसके बाद इस तरह के मंगवाए जिसमें पैंट्स वगैरह कुछ रखनी हो तो वो आ जाएंगी, फिर ये मंगवाएं, जैसे मंगवाया है मैंने हैंड चॉपर है ये, लेकिन ना मेरा क्योंकि पुराने वाला जो था वो मैंने अलमारी में रखा था, वकास ने अलमारी खोली वो धुड़ाम से नीचे गिर के उसके वो बाउल्स ही टूट गए हैं सारे के सारे, फिर मैंने कहा चलो अब न्यू मंगवा लेती क्योंकि ये बहुत काम आता है, अक्सर लाइट नहीं होती अक्सर, तो फिर मैं इसे इसे चॉप कर लेती थी, आपको पता ना मेरा कितना यूज़ हो रहा था चॉपर। क्या हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, देख क्या हूँ आपको आ रही है, आपको पता है किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, बुला जा बताओ किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है बताओ, ट्रक की आवाज़ आ रही है, आपको किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ट्रक की आवाज़ आ रही है। ओके यार बैड न्यूज़ ये है कि जिस घर में हम रह रहे हैं ना ये घर हो गया है जी कल सेल, और अभी हमारे पास एक महीना शायद ना हो, 15 डेज वो कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं मंथ ले दें हमें शिफ्टिंग के लिए, एटलीस्ट हमारे टाइल्स लग जाएं, तो अब लेट्स सी अगर उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता इतना टाइम, तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि अब हम किराए के घर में ना ही जाएँ, अपने ही घर में जाएँ और रह के काम करवा लें बाकी सारा,
क्योंकि फिर शिफ्ट करना और फिर शिफ्ट करना भाई बहुत मुश्किल है। मैंने शिफ्ट किया, मुझे पता है, मैंने पित्ते का ऑपरेशन हुआ था मेरा और उसके हफ्ते बाद ही हमको मकान शिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि हमने ऑलरेडी ना अपने ऑनर को बोल दिया था कि हमने शिफ्ट करना। उसका रीज़न ये था, उस टाइम तो मैंने आपको बताया नहीं था कि हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, और आप सब लोग बोल भी रहे थे कि आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप घर क्यों शिफ्ट कर रहे हो। तो रीज़न यही था कि हम लोगों ने प्लॉट लिया था यहाँ पर और वकास के लिए G13 से यहाँ आना जाना बहुत दूर पड़ता था और रोज़ वो आ नहीं सकते थे। और यहाँ पे जब आप सेक्टर या सोसाइटी में प्लॉट लेते हो ना, तो वो मिनट मिनट में आपको साइन करवाने पड़ते हैं, मिनट मिनट में उनको बुला के विजिट करवाना पड़ता है, कभी सरिया दिखाना पड़ता है, कभी कुछ दिखाना पड़ता है, तो ये बहुत झंझट है यहाँ पे। तो वकास ने शुरू में तो चक्कर लगाए थे, उसके बाद वो तंग आ गए थे, वो बोल रहे थे भाई मेरे से नहीं रोज़ रोज़ आने जाने होता, वहीं रहेंगे और वहीं रह के काम करवाएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ घर लिया। फिर जब हम लोगों ने यहाँ घर लिया, हम लोग शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद हमारे बेसमेंट का मसला बन गया था। हमारे बराबर में घर था और उन लोगों का बेसमेंट नहीं था, और फिर बेसमेंट आपको पता है ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है काफ़ी, तो उनकी जो दीवार थी ना वो डेड वॉल थी, उनका घर हमारी तरफ झुका हुआ था सारा, तो वो काफ़ी मतलब वो 2 महीने तो हमारा जनवरी फरवरी, हम दिसंबर में शिफ्ट हुए थे अगर आप लोगों को याद हो, तो वो 2 महीने जो है हमारा वो वाला इशू रहा शिफ्टिंग का, मतलब काम नहीं स्टार्ट कर सके। तो फिर हमारा फरवरी के एंड में काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देखा ही है। तो शेयर मैं पहले से कोई चीज़ नहीं करती हूँ, कभी भी आप लोगों के साथ जब चीज़ हो जाती है कन्फर्म हो जाती है फिर मैं शेयर करती हूँ। अब घर के सेल होने का भी हमें 3 महीनों से पता है कि घर ये लोग सेल करके कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग मैं शेयर इसलिए नहीं कर रही थी, मैंने कहा यार कुछ हो जाए फिर बताऊँगी मैं पहले से क्या शोर डाल दूँ। लेकिन अब फाइनली कल एक पार्टी आई थी तो वो लोगों ने फाइनल कर दिया, हमें ऑनर ने कल बता दिया था कि फाइनल हो गया घर। तो आप लोगों का क्या सीन है, उनसे बात करें आपके लिए, क्योंकि कह रहे थे हमें भी 1 महीना लगेगा ऑब्वियसली शिफ्ट करने में, तो उनसे बात करते हैं, देखते हैं, उनको बोलते हैं कि 1 महीने का टाइम दे दें हमें, आज 15 है तो अगली 15 तक जो है हम खाली कर देंगे। मैंने कहा अगर 1 महीने का टाइम हो गया तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए भी, हमारी सीलिंग हो रही है अभी तो हमारी भी टाइल्स लग जाएंगी तब तक, तो दुआ करना यार। हम लोग पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हम लोग पहले G13 से शिफ्ट हुए थे इस इशू की वजह से कि हमने कंस्ट्रक्शन करवानी थी अपने यहाँ, उसके बाद हम जिस घर में शिफ्ट हुए वहाँ पे हम 1 महीना नहीं रहे, तो जिस उस घर में कोई भी नहीं रहता था ना, ऑनर भी नहीं रहते थे, तो ऑनर की बीवी को हार्ट अटैक हो गया और उसको स्टंट डले थे, तो उन्होंने बोला कि हम अपने घर में वापस आना चाहते हैं, तो उसका ये इशू अब इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अब इनकी वाला घर सेल हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई रुकावटें आती ही रहती हैं। खैर आप लोग दुआ करना कि बस मसला हल हो जाए, एटलीस्ट टाइल्स लग जाए, क्योंकि बच्चों के साथ रहना ऐसे घर में जिसकी कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो प्रॉपर बहुत डिफिकल्ट है। सीढ़ियाँ तो शुरू करें, हमारी सारी लग गई है, एक सीढ़ी रह गई थी तो वो भी आज कल में लग जाएगी, बन गई वो भी सीढ़ी, बस आप लोग दुआ करना यार, बहुत टेंशन ना हो इस वजह से। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट ब्रांड प्रो गर्ली की, हम सबसे मुराद हम सब खवातीन का, पीरियड्स के लिए टेम्पोन्स और पैड्स जो है वो अब गए वक्तों की बात हो चुके हैं। ये जो प्रोडक्ट है सबसे रिलायबल है, सेफ है, इजी टू यूज है, एक बार खरीदो और भूल जाओ और इसको बार बार इस्तेमाल करो। मेंस्ट्रुअल कप जो है वो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप के एडवांटेजेस ये हैं कि ये चूंकि मेडिकेटेड सिलिकॉन है, इसके साथ इन्फेक्शन होने के रिस्क नहीं होता, इसके साथ एलर्जीज नहीं हो सकती। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, वो भी रिकमेंड करता है कि आप पीरियड्स के लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज करें। आ गया कि आप लोग पैड्स और टैम्पॉन से निकला और आप लोग यूज करें मेंस्ट्रुअल कप, जिसको यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है और ये बहुत ही सेफ है और ये पैड से ज्यादा लिक्विड इकट्ठा करता है। इसमें डिटेल रिव्यू जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर डॉक्टर्स की राय है उसके अंदर। खरीदने के लिए भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको वहां से जाके बाय कर सकते हो। मैं खुद इसको यूज कर रही हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरी जिंदगी समझे आसान हो गई है इसको यूज करने के बाद। आज हम लाए हैं, आज मेरे ख्याल से फ्राइडे है और हमने नेल्स भी काटे हैं अपने, ये देखें, और अब मैं दिखाती हूँ मैं नमाज पढ़ रही है यहाँ पे। तो ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से काफ़ी लड़कियां बोल रही थी कि अभी वकास भाई करते हैं, तो हम वकास भाई से पूछना चाहते हैं कि वो कैसे काम करते हैं फॉरएवर लिविंग में, स्टार्टर पैकेज उन्होंने कैसे मंगवाया था, कैसे सेल किया था, इसके बेनिफिट क्या क्या। एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये US बेस्ड कंपनी है, दूसरी चीज़ ये कि ये 150 से ज़्यादा कंट्री में काम कर रही है फॉरएवर लिविंग, तीसरी चीज़ ये कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो 150 कंट्रीज हैं यहाँ पर भी फॉरएवर लिविंग का सामान सेल कर सकते हैं, मेम्बर बना सकते हैं अपना और डॉलर में कमा मेंबर पे भी अच्छे पैसे बच जाते हैं। डॉलर की बारिश होगी डॉलर की बारिश वो तो बाद में होगी। हाँ, और हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आपके घर में कोई बंदा बंदी है जो 18 प्लस है, जिसका NIC बना हुआ, उसके NIC से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आपको वकास बताएंगे अपनी स्टोरी के, उन्होंने कैसे ज्वाइन किया था और क्या क्या था। सेम यही तरीका, बस NIC हो आप ज्वाइन कर लो, बस उसका एक पैकेज है स्टार्ट में। आप ईगल में हो ना, ईगल में हो आप किसी और में हो? और ईगल है शायद। और आपने जब स्टार्टर पैकेज लिया था तो आपका कितने का? 65। अब पता कितने का हो गया? अब तो 95। खुद प्रमोशन करवाओ जिससे मर्जी, लेकिन वकास भी वाकई काम करते हैं, इनके भी नीचे टीम बनी हुई है, लेकिन जो आ रही हूँ ना तो वो मुझे उन पे ज्यादा है कि एक तो लड़की है आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर देंगी, आप बेशक उनका नंबर लो, वो आपसे बात करें आपको प्रॉपर समझा देंगे,
करेंगी कि ऐसे काम करना है वैसे काम करना है। तीसरी चीज़ ये है कि वो ना पूरा वकास इतना टाइम नहीं दे सकता आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी। लेकिन ये कि वकास ने काम किया है, वकास काम कर रहे हैं, वकास की हर मंथ अर्निंग आती है और वो 6 डिजिट में अर्निंग आती है, और ये वकास को काम करते हुए 5th ईयर है ये, है ना आपका। आप जब ज्वाइन करवाते हैं किसी को, हाँ, उसके बाद आप प्रोडक्ट सेल करने के भी मिलते हैं, प्रॉफिट अलहदा आता है, पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स बनते हैं आपके, सारा कुछ होता है, उससे आपकी अर्निंग बनती है। वो आपको सारा गाइड करेंगे, जो आपको ज्वाइन करवाएंगे ना हर चीज वो आपको सारा बता देंगे। तो आप लोग ना ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो घर बैठ कर, तो आप लोग अर्न कर सकते हो। माफ्रा का जो है वो नंबर तो नहीं है उनका मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं वो लगा दूंगी, आप लोग वहां जाकर डिटेल ले लेना उनसे। इसके अलावा मैं सर्वे हार्ट का फॉर्म लगाऊंगी, आप लोग वो फॉर्म फिल कर लेना और उसके थ्रू ना उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। रजिस्टर्ड कंपनी है, फ्रॉड नहीं है कि आप बोलो फ्रॉड है, क्योंकि मेरे अपने घर का बंदा काम कर रहा है इसलिए मैं इसकी प्रमोशन कर देती हूँ। अगर वकास काम ना कर रहे तो मैं प्रमोशन ना करती इसकी कभी भी, मुझे पता है कि ऑथेंटिक है। तो अपने थोड़ी सी महंगी चीजें हैं, अगर आप क्योंकि यूएस बेस्ड है ना, पाकिस्तानी नहीं है ना, कोई भी चीज खरीदते हैं वो आपको बहुत टाइम सारी चलती है, जैसे शैम्पू ही है ना काफी बड़ा है, काफी टाइम गुजार जाता है आपके। जिस तरह आप एक चीज बाहर से खरीदते हैं ना मार्केट से, बनस्पत है ना उसके वो ज्यादा आपको क्वालिटी भी अच्छी है, टूथपेस्ट उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका डिओडोरेंट मुझे बहुत पसंद है, पैसे तो बात करता बंदा लेकिन चीज बहुत अच्छी होती है। बल्कि फॉरएवर का सामान तो ऐसा सामान है, जब हम उम्रे पे जा रहे थे तो हमने पूछा कि हम कौन सी चीज लेके जाएं जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, तो उन्होंने फॉरएवर का सोप दिया था कि आप ये लेके जाइए फ्रेग्रेंस फ्री है, तो वो उम्रे पे आप ले जाके यूज कर सकते हो उसको, उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं की गई है, मतलब उसकी चीजें ऐसी हैं अच्छी चीजें और टेस्टेड चीजें, यूएस बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है आप इसके अंदर जब आप काम कर रहे हो ना, आप किसी भी कंट्री से आपका कोई भी मेंबर आपको ज्वाइन कर सकता है और आप किसी भी कंट्री में सामान कस्टमर कहीं से भी आप ले सकते हो। आपको पाबंदी नहीं है, आपको ये पाबंदी नहीं है, आप सिर्फ पाकिस्तान में काम कर सकते हो। तो जो मेरे बाहर की ऑडियंस है अगर वो भी ज्वाइन करना चाहती है तो मैं सर्वे हार्ट का लिंक लगाऊंगी नीचे, आप लोग वो फॉर्म फिल करके आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग भी अर्न कर सकते हो घर बैठ के। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड वर्क है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बाद में आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, वो आपसे प्रॉपर लेते रहते हैं चीज़। हार्ड का लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वो फॉर्म फिल कर लेना, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है ये। कोई इसमें से चीज़ नहीं कि आप बोलोगे आप इन्फॉर्मेशन दूँ, व्हाट्सएप नंबर दे दूँ, ये पूछ रहे हैं तो ये आप लोग दे सकते हो, कुछ भी वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं, वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। काम करना है आपने। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग किट खरीदना चाहते हो आप लोग सेल कर सकते हो, आप लोग ज़रूर खरीदो। चौथी चीज़ ये कि आप किसी भी कंट्री से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी कंट्री से आप सामान बेच सकते हो, जो 150+ 165+ कंट्री में आप लोग जो है सामान सेल कर सकते हो। हर मंथ जो बाहर से खरीदते हो अपनी जात के लिए फॉरएवर से खरीद के पॉइंट्स भी बनेंगे फैमिली के लिए भी वहीं से खरीदो। तो चीज देखेंगे तो आपसे वो पूछेंगे भी कि ये कहाँ से यूज करने कैसे बाय कर, आप फिर उसको मेंबर बनाओ साथ अपने। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, बहुत अरसे बाद मैंने आज हिम्मत करके ब्लॉग डाला है, मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी ब्लॉग की, इतना थकाते हैं, ये टाइल लेने चलो, ये लेने चलो, वो लेने चलो, मोटर चेंज करो, आई मोटर चेंज करके दो दफा तुम मोटर चेंज करवाने लेके मेरे साथ चलो, लंबा सफर काहे के अकेले चले जाओ, नहीं मेरे साथ चलो, मैं बोर होता हूँ अकेले यार, साथ वाली सीट पर बंदा बैठा होना लगता है स्कूल है, साथ खुद जलील रहा हूं, साथ इस तो भी तकार रहा हूं। हाँ, इतना पकाते हैं मुझे वो खुला अकेले हम जाते हैं। तो चलें यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।